सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शोभा कुमारी, योर इंग्लिश टीचर, एंड टुडे वी विल रीड अ पोयम। बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ वेरी स्मॉल चैट। टेल मी अबाउट योर फेवरेट बर्ड। My favorite bird is koel. You can tell your favorite bird. Maybe somebody may like peacock, others may tell parrot. So we will do a small activity for that. Take out your copy and pen and draw a bird with the spreaded wings. Pankh uske phaile hone chahiye. So have you drawn the bird? I also have drawn the bird. So now write the two qualities of that bird on the two wings, the spreaded wings. जो पंख आपने फैले हुए बनाए थे उन पंखों पे आप उस बर्ड के टू क्वालिटीज लिखिए। Now see, I have drawn, I like koel. It has a melodious voice and it is black in color. आपने भी लिखा होगा आपको मोर पसंद है, पीकॉक पसंद है, दो उसके क्वालिटीज उसके पंख पे लिखिए। किसी को पैरट पसंद है वो आप उसके विंग्स पे उसके दो क्वालिटीज लिखिए। देखा आपने कितना मजा आया इसमें। सो डिड यू लाइक द एक्टिविटी ऑफ ड्राइंग द बर्ड एंड राइटिंग इट्स क्वालिटीज। सो टुडे वी विल रीड द पोयम कोयल by Puran Singh. Before starting the poem, let us look at the hard words. The hard words are lightning means flash of light, bijli ki chamak, charred means burnt and became black, jalkar kala ho jana, singed means burnt slightly, or scorched yani jhulsa hua, कंसील मतलब हाइड छिपाना, पिच मीन्स एक्यूटनेस ऑफ साउंड दैट मेक्स इट हाई और लो, मतलब जब हम गाना गाते हैं तो सुर और तान जो ऊपर नीचे होता है उसे पिच कहते हैं, स्ट्रेन मीन्स मेलोडी, शेड मतलब थ्रो ऑफ, किंडलिंग टू सेट ऑन फायर आग जला देना, और दाई, दाई का मतलब होता है योर, ये ओल्ड इंग्लिश में पहले दाई यूज होता था, दी एंड दाओ ये यू के लिए आता है। द पोयम कोयल हैज टू पार्ट्स। इन द फर्स्ट पार्ट वी कैन सी द पोएट क्वेश्चंस द कोयल एंड इन द सेकेंड पार्ट द कोयल आंसर्स टू द पोएट्स क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोयम। कोयल, what lightning fell, what singed thy wings? The poet asks the koel ki tum pe kaun si bijli giri, tumhare pankh aise kaise jal gaye, what keeps thee fresh yet charred, tum
इतनी जली हुई हो, इतनी झुलसी हुई हो, फिर भी इतनी फ्रेश कैसे दिखती हो। कंसील्ड इन द मैंगो लीव्स दाउ सिंगेस्ट, आम के पत्तों में छिपकर तुम गाती हो और वहाँ बैठकर हमें अपनी मधुर गीत सुनाती हो। सो वी कैन सी इन द फर्स्ट पैराग्राफ द पोएट आस्क्स द कोयल दैट शी लुक्स सो मच ब्लैक और हर कलर इज सो ब्लैक, शी लुक्स लाइक एज इफ शी इज बर्न्ट एंड स्टिल शी लुक्स फ्रेश। हाउ इज इट सो? शी हाइड्स इन द मैंगो लीव्स, वो आम के पत्तों में छिपके गाती है और वो उसके सुर को सुन के, उसके मधुर गीत को सुन के पोएट बेचैन हो जाता है। ही गोज इन टू हिज मेमोरीज, थाउजेंड्स हजारों मेमोरी उसके फिर से जग जाते हैं। सो वाई अगेन द पोएट आस्क द कोयल, वाई सो रेस्टलेस दाई स्पार्क शेडिंग नोट्स, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? तुम्हारे जो मधुर गीत निकल रहे हैं ऐसा लगता है कि वो स्पार्क शेडिंग है, वो चिंगारी फेंक रहे हैं, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? अगेन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ द पोएट आस्क कोयल दैट वाई सो रेस्टलेस दैट दाई स्पार्क शेडिंग नोट्स गो ऑन फोर्थ किंडलिंग फायर, मीन्स ही आस्क द कोयल दैट वाई आर यू सो रेस्टलेस, वो तुम इतनी बेचैन क्यों हो? जो तुम्हारे सुर तान जो निकल रहे हैं वो चिंगारी की तरह निकल रहे हैं और आग लगा रहे हैं। किंडलिंग मीन्स आग लगाना, आग जलाना। तो तुम्हारे जो नोट्स निकल रहे हैं, तुम्हारे जो तान निकल रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो आग लगाते चल रहे हैं। लो द रोजेज आर ऑन फायर विच विंड्स एंड वाटर्स कैच, ये देखो अब तो रोजेज में भी आग लग चुका है और वो आग, वो जो फायर है वो स्प्रेड कर रहा है हवा के साथ, और पानी में भी आग लग रहा है तुम्हारे सुर और तान से। ऐसी क्या बेचैनी है तुम्हें जो तुम्हारे सुर और तान ऐसे निकल रहे हैं? द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न, शेड्स यानी छाया, हम लोग छाया को लेते हैं कि वो शांत और बिल्कुल ठंडा जगह है, ठंडापन लिए हुए है, मगर यहाँ कोयल के सुर से ऐसा लगता है मानो वो जो आम के पत्तों का जो छाया है, वृक्ष के नीचे जो छाया पड़ रहा है उसमें भी आग लगी हुई है। ऐसी क्या बेचैनी है कोयल को? पोएट आस्क्स व्हाट अ रेन ऑफ स्पार्क आर्ट दाउ ओ लिटिल बर्ड, हे चिड़िया तुम्हारी, तुम्हारे जो सुर निकल रहे हैं उसमें ऐसा कौन सी चिंगारी उसमें से निकल रही है जो हर तरफ आग ही आग फैल रही है? कोयल व्हाट लाइटनिंग फेल, व्हाट सिंज दाई विंग्स, पोएट अगेन आस, तुम पे कौन सी बिजली गिरी है? तुम्हारे पंख ऐसे कैसे जले हुए हैं? सो दिस वॉज द पार्ट वन ऑफ द पोएम। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर टू पार्ट टू, लेट्स डू अ स्मॉल एक्टिविटी। You know about gap fill activity, we also call that fill in the blanks. So here you can see I have written a few sentences, there are blanks, there are gaps, and there are some words in the balloons over here. What you have to do is to select one word among these and fill the gaps in all these sentences. You have to take words from these balloons. So the first line, the first sentence is the poem Koel is written by, have you thought about it? The answer is Puran Singh. The second, the Koel sings in the dash leaves. Answer is mango leaves. The third sentence again, another word for thee and thou is, yes, you. The sparkling notes of koel sets dash on fire. We have studied in the poem now. The answer is roses. Roses on fire. The high-pitched strains wakes a thousand. And the last one is, of course, the memories. Now, in the second part of the poem, we can see that the koel is answering the poet's questions.
द फायर ऑफ लव हैज चार्ड माई विंग्स एंड मेड मी अन्यू. कोयल कहती है कि फायर ऑफ लव जो है वो उसके पंखों को झुलसा दिया है एंड शी हैज बिकम ऑल न्यू, बिल्कुल नए रूप में वो उभर के सामने आई है. आई एम रेस्टलेस, वेयर इज माई बिलवेड. मैं बेचैन इसलिए हूँ क्योंकि मेरा प्रियतम कहाँ है, कहाँ है मेरा प्रियतम. तो कोयल कहती है कि फायर ऑफ लव जो है वो उसके पंखों को जला दिया है, वो बेचैन है क्योंकि शी इज लुकिंग फॉर हर बिलवेड. द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स फायर मी ऑल द मोर. वो कहती है जब मैं आम के मंजरियों को देखती हूँ तो मेरे अंदर और भी जलन होता है, और भी मैं बेचैन हो जाती हूँ, मैं विचलित हो जाती हूँ. तो कोयल कहती है कि जब मैं आम के बागीचे में हरे भरे मंजरियों को देखती हूँ तो मेरे अंदर की ज्वाला जो है, मेरे अंदर की आग और जल उठती है. द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट. जितना हरा भरा मैं देखती हूँ बगीचे को, उतना ही अंदर मेरे अंदर जलन होती है. और वो मेरी आत्मा पूछती है, माई फ्लेमिंग सोल आस्क्स वेयर इज माई बिलवेड. मेरी जलती हुई आत्मा पूछती है कि कहाँ है मेरा प्रियतम, कहाँ है मेरा प्रियतम, बोलो कहाँ है मेरा प्रियतम, स्पीक. Why are thy leaves so still? अब वो आम के पत्तों से पूछती है कि अब तुम इतने शांत क्यों हो, बोलो, where is my beloved? So with this we come to the end of this poem, Koyal. After this let's do some brief question answers. Hope you have understood the poem well, so it will be easy for you to answer these questions. Let's have a look at the first question. Why is कोयल so restless? बता सकते हैं कोयल इतनी बेचैन क्यों है? द कोयल इज रेस्टलेस बिकॉज सी इज इन सर्च ऑफ हर बिलवेड. वॉट चार्ज द विंग्स ऑफ द कोयल. उसके पंख कैसे जले हुए हैं, कैसे जले भुने उसके पर हो गए हैं, पंख हो गए हैं. Her wings are charged by the fire of love. The next question is, what burns her heart? तो इसका आंसर क्या होगा? The next question is, what burns her heart? उसका हृदय क्यों जल रहा है? तो आंसर क्या होगा? The sight of the mango blossoms burns her heart. The next question is, what burns her heart? मतलब उसका हृदय क्यों जल रहा है, किस चीज से जल रहा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है the sight of mango blossoms. अभी हमने देखा था आम की मंजरियां, उसको देख के कोयल का जो हृदय है वो जलने लगता है. The fourth question, what does her flaming soul ask? The answer is, her flaming soul asks that where is her beloved? Uska priyatam kahan hai? So students, this was the end of the poem. Hope you have liked the poem. Before this, we only heard the cuckoo singing or the koel, and we felt or we enjoyed its melodious song. But after reading the poem, I think we will focus on this aspect of her voice also, that why she sings and what does she feel while singing. So hope you have liked the poem. So you will recite the poem and then we will do the next poem in the next class. Thank you. नमस्कार. आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशन कर रहे हैं. उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए. करना है इतना
कि आपके विद्यालय के छठी से दसवीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1,00,000 छात्रों को 10-10,000 रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। Hello and welcome to today's class. So my dear students, have you ever heard about the magical stories? Magics, जादू, सर्कस में देखा है कभी जादू करते हुए लोगों को, लड़की को दो टुकड़ों में काट करके फिर जोड़ देते हुए देखा है? आपके स्क्रीन पे कुछ स्टोरीज दिख रही होंगी। शाकाला का बुम बुम का पेंसिल याद है, जिससे बहुत सारे ड्राइंग करके बहुत सारे जादू होते थे। सो मेनी मैजिक्स यूज टू हैपन। एंड जो नेक्स्ट स्लाइड आपको दिख रहा है, उसमें आपको कुछ पेड़ दिख रहे हैं। आपने ये अक्सर देखा होगा अपनी मम्मी को पेड़ के आसपास पूजा करते हुए, उससे कुछ मांगते हुए। बिकॉज इन इंडिया वी बिलीव दैट एवरीथिंग हैव गॉडनेस इन इट, सबके अंदर भगवान है, पेड़ के अंदर भी भगवान है, वहाँ से भी लोग मांगते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आपको एक नाम दिख रहा होगा, कल्पका ट्री। साउथ इंडिया में जो है, इस ट्री को वरदान का पेड़ माना जाता है। सो टुडे हम लोग जो लेसन पढ़ने वाले हैं वो है अबाउट अ, वो एक पोयम है जिसमें कल्पका ट्री से एक व्यक्ति कैसे अपने वरदानों को मांग रहा है, अबाउट विशेस। बट बिफोर स्टार्टिंग द पोयम, लेट मी शो यू अनदर स्लाइड। यू कैन सी हियर दैट अ पिक्चर ऑफ अ ग्रीडी मैन इज शोन। ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स हु नीड मोर, मोर एंड मोर एंड मोर, हुज विशेस कुड नॉट कंप्लीट, who do not get satisfied with what he have in their life, इसलिए उनको greedy man कहा जाता है, लालची आदमी, क्योंकि उन्हें कभी उनके लिए जो चीज़ें होती है वो पूरी नहीं पड़ती। आपने अपने घरों में या आसपास देखा होगा, लोग एक प्लांट लगाते हैं जिसका नाम ही है मनी प्लांट। वो किस लिए मनी प्लांट लगाते हैं? उसमें क्या पैसे लटकते हैं? नो, दे
दे पुट दैट प्लांट एट देयर होम बिकॉज दे थिंक दैट उस प्लांट को लगाने से दे विल हैव सम मनी, उनके घर में पैसे आएंगे, लक्ष्मी का वास होगा और अलग अलग तरह की चीज़ें हैं. सो पीपल डू डिफरेंट थिंग टू गेट मनी, टू अर्न मोर एंड मोर, बिकॉज दे डू नॉट ओनली वॉन्ट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स बट दे ऑल्सो वॉन्ट टू सेटिस्फाई देयर डिजायर्स एंड देयर ग्रीडीनेस, जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकती है. चाहे कितने भी कल्पक ट्री या मनी प्लांट या पेड़ों में धागा बांधने से या निर्मल बाबा से आशीर्वाद लेने से वो खत्म नहीं हो सकता है. एंड इस सब को लेकर के ही जो पोएट है उन्होंने एक पोएम लिखी है कि इसके वजह से जो ये चीज़ें होती हैं इससे आपके नीड्स पूरे हो सकते हैं बट आपका जो विश है, डिज़ायर है, वो पूरा कभी भी नहीं हो सकता है. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द पोएट जिन्होंने ये लिखा है. द नेम ऑफ द पोएट इज पेरियास्मी थुरन. ही इज अ तमिल राइटर, ही इज अ तमिल पोएट एंड राइटर एज वेल. ही इज अ नॉवेलिस्ट ऑल्सो, ही इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑल्सो. उन्होंने तमिल में एनसाइक्लोपीडिया, जो कि एक ऐसा किताब होता है, ऐसी पुस्तक होती है जिसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्दों के अर्थ होते हैं ए से लेकर के जेड तक के, तो उसको एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं. सो उन्होंने बच्चों के लिए एक एनसाइक्लोपीडिया तैयार किया है तमिल्स में. इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है. उन्होंने ऐसे लिखे हैं जैसे कि पूविन श्रीपू, उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे पद्म भूषण मिला है. फिर तमिल गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड दिया है जिसका नाम है कलमामणि अवार्ड फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट. तो इनको बहुत सारे नेशनल एंड स्टेट लेवल के अवार्ड्स भी मिले हैं. एंड ही यूज टू ट्रांसलेट द तमिल पोएम्स इंटू इंग्लिश एंड इंग्लिश पोएम्स इंटू तमिल लैंग्वेज. फॉर दैट ऑल्सो ही इज़ वेरी फेमस. सो जो अभी हम पोएम पढ़ेंगे, द नेम ऑफ द पोएम इज द एम्प्टी हर्ट. द एम्प्टी हर्ट. सो देर आर टू वर्ड्स, एम्प्टी एंड हर्ट. एम्प्टी मीन्स होता है खाली और हर्ट यानी हृदय. सो खाली हृदय. खाली हृदय कब होता है? वैन डू यू हैव एम्प्टी हर्ट. ऑल्दो यू मे हैव लॉट्स ऑफ थिंग विथ यू बट स्टिल यू विल हैव एम्प्टी हर्ट. देर आर सो मेनी रीजन्स बिहाइंड इट विच वी विल डिस्कस इन दिस पोएम, विच वी विल लर्न फ्रॉम दिस पोएम. सो बिफोर डिस्कसिंग द पोएम लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट वर्ड्स, क्योंकि जब वो डिफिकल्ट वर्ड्स पोएम पढ़ते वक्त आपको मिलेंगे तो अगर आपको वो मीनिंग पता नहीं होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा. इसलिए पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स को पढ़ लेते हैं. सो एज आई हैव सेड दैट यू विल बी लर्निंग सम डिफिकल्ट वर्ड्स, सम न्यू वर्ड्स दैट विल बी एडिशन टू योर वोकेबुलरी. सो यू कैन सी कि बहुत सारे शब्द मैंने यहाँ आपको दिखाए हैं. फर्स्ट वर्ड इज कंटेंट. सो कंटेंट मीन्स वॉट? कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड. जो संतुष्ट होते हैं व्यक्ति, दे आर नोन एज कंटेंट पीपल. जिनको जो मिला है उससे संतोष होता है, सो वो संतुष्ट होते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज विश येल्डिंग. विश यानी इच्छा, किस कोई कामना करना, और येल्डिंग जिससे पूरा हो सके. सो विश येल्डिंग इज विच फुलफिल आवर ड्रीम्स और विच फुलफिल आवर विशेस. नेक्स्ट वर्ड इज सेवन फोल्ड. सेवन आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 सेवन इज सात एंड फोल्ड उसके तह. तो सात गुना करके कोई चीज़ जब पूरी होती है, सेवन टाइम्स व्हेन समथिंग इज सेवन टाइम्स दैट इज कॉल्ड सेवन फोल्ड. ग्लिस्टिंग इज शाइनिंग, चमकना. नेक्स्ट वर्ड इज पिचर. पिचर एज यू कैन सी द पिक्चर, इट इज अ काइंड ऑफ पॉट. एक पॉट होता है, घड़ा जिसको आप बोल सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रीम. ब्रीम मीन्स अपर लेयर. अपर लेयर जो किसी भी बर्तन के या किसी भी पदार्थ का ऊपर का जो हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड ब्रीम, पूरा ऊपर तक. नेक्स्ट वर्ड इज डेमन. डेमन इज एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यस, राक्षस, भूत, मीन्स ऑपोजिट ऑफ ह्यूमन और डिवाइन, उसका उल्टा होता है डेमन. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज शर्क्ड. पूरे बॉडी पे पूरे अर्थ का भार है, यानी कि विश्व का भार है, यानी वो सिकुड़ता जा रहा है उसमें, तो दैट इज कॉल्ड शर्क्ड. नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्साइंस. हेयर ऑल्सो यू कैन सी दैट अ मैन ऑन हिज बोथ शोल्डर्स वन ब्लैक एंड वन रेड पर्सन इज देयर. मीन्स जो आपको सही और गलत को वो डिनोट करता है कि सही क्या है और गलत क्या है, आपका वो मन जो आपको सही और गलत में अंतर समझाता है, दैट इज कॉल्ड योर कॉन्साइंस. नेक्स्ट वर्ड इज ईगर एंड साथ में मैंने रखा है एंशियस.
both have almost similar kind of meaning. Like when you are giving your exams, you used to feel eagerness, you used to feel anxiousness, because आपको एक घबराहट होती है, एक बेचैनी होती है, कुछ नया जब आप कर रहे होते हैं या आप कहीं भूल ना जाओ एग्जाम में. सो यू फील दैट, दैट इज अ काइंड ऑफ इमोशन, एक तरह की भावना है आपके अंदर जो आती है, दैट इज कॉल्ड ईगर और एंशियस, परेशान होना, किसी चीज के लिए बेचैन होना. नेक्स्ट वर्ड इज रैक. Wreck, as you can see in the picture, that one ship is breaking. So the part of the ship is wreck. वो जो टुकड़ा हो जाता है, that is called wreck. Next word is clutch. Clutch means taking something into control. आप में से जो बहुत से होंगे लड़के या लड़कियां भी जो बाइक चलाते होंगे, उसमें क्लच होता है. सो वॉट यू यूज टू डू विद दैट, यू यूज टू कंट्रोल द स्पीड और यू यूज टू कंट्रोल द गियर फॉर दैट मैटर. सो क्लच मीन्स टेकिंग समथिंग इन टू कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड क्लच. Next word is void. That is the basic word of this poem. Blankness, खालीपन, सूनापन. Void means खाली, सूना. So जो इस poem का नाम है, the empty hut. So empty means also blank, void, खालीपना. So इस poem में यही पूरे poem में ये सारे words आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है जब आप English के वो poem को lines को पढ़ेंगे, you will not be able to understand. But now I think you will be able to understand, because मैंने आपको सारे difficult words बता दिए. सो नाउ लेट अस रीड द पोएम वंस. द नेम ऑफ द पोएम इज द एम्प्टी हट एंड इट इज रिटन बाय पेरियसमी थुरन. द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट, मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश येल्डिंग ट्री एंड प्रेड, ओ कल्पका आई वॉन्ट योर एड, आई सीक योर एड, ऑल आई वॉन्ट इज अ पॉट ऑफ गोल्ड. His prayer was granted sevenfold, for as a gift to him was given glistening gold in the pitcher seven. Seven silver pitchers were now with him, each with gold coins filled to the brim. But the tree unkind took into its mind to add on eighth a half full pot. To fill this quick was his thought. The seven full vessels he clean forgot. The dream desire now made him mad. To mother, wife, children, goodbye he bid. He rose before cock crow. Past midnight he worked. Eating, drinking, and sleep he shirked. He wrecked his health, his conscience sold. And tried all tricks to gather gold. Eager and anxious, he seamlessly took each coin he could clutch by hook or crook. Harder and harder he tried, but died before he could quite fill the pot. Greed are endless, but life is not. Nothing is wrong with a half-filled purse. Tis the void is the heart, that is the curse. सो माई डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बहुत ही एक सुंदर पोएम जो मैंने अभी पढ़ा आपने सुना. सो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम, लेट मी फर्स्ट रीड अगेन वंस अगेन. द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट. सो इन द वेरी फर्स्ट लाइन यू कैन सी दैट मैन वॉज रिच, एज आई हैव शोन यू, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मनुष्य बहुत जब अमीर होता है ना, स्टिल ही इज नॉट कंटेंट. रिचनेस इज नॉट द सर्टिफिकेट ऑफ कंटेंटमेंट. बहुत अमीर होकर भी कोई संतुष्ट हो ये जरूरी नहीं है. मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश येल्डिंग ट्री एंड प्रेड, ओ कल्पका आई सीक योर एड. सो दैट मैन, देयर इज अ मैन इन दिस पोएम हु इज गोइंग अगेन एंड अगेन टू अ ट्री, एक पेड़ के पास, जो जिसका नाम उसमें बताया है कल्पका, विच आई हैव ऑलरेडी शोन यू. ही वॉज ट्राइंग टू सीक वन विश फ्रॉम द ट्री. उस कल्प का पेड़ से वो एक विश मांग रहा है, एक अपना वरदान चाह रहा है. और उसका उसको क्या वरदान चाहिए? ऑल आई वॉन्ट इज अ पॉट ऑफ गोल्ड. उसका विश क्या है, उसकी उसकी जो उसको जो इच्छा है वो क्या है, कि उसको एक सोने से भरा हुआ पॉट चाहिए. ओके, घड़ा चाहिए जिससे जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हो, बहुत सारा सोना हो, सो दैट ही कैन बिकम मोर रिचर. हिज प्रेयर वॉज ग्रांटेड सेवन फोल्ड.
और फाइनली जैसा आपने बहुत सारे मूवीज में स्टोरीज में पढ़ा होगा कि एक दिन भगवान आए और तथास्तु कह दिया. सो उसको भी एक दिन कल्पका ट्री से एक गॉड निकले एंड उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारा जो इच्छा है उसको 7 गुना करके पूरा करता हूँ. यू आर विशिंग ओनली फॉर 1 गोल्ड पॉट बट आई विल गिव यू 7. सो ग्लिस्टिंग गोल्ड इन पिचर 7, 7 सिल्वर पिचर्स वेर नाउ विथ हिम. अब जो है उसके पास 7 गोल्ड के पिचर्स यानी कि घड़ा जो बताया आपको घड़े थे. ईच विथ गोल्ड कॉइन्स फिल्ड टू द ब्रीम. ब्रीम एज आई हैव सेड यू द अपर लेयर पूरा ऊपर तक लबालब भरा हुआ सोने के सिक्के से भरा हुआ 7 गोल्ड के जो पॉट हैं वो उसको मिल गए. बट द ट्री अनकाइंड टुक इन टू इट्स माइंड. लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा कि ईश्वर जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं. एक मांगा 7 दिया लेकिन थोड़ा सा और उनको मन था कि कुछ और दे. सो टू एड एन 8 सो टू एड एन 8.5 फिल पॉट. सो उन्होंने क्या गॉड ने क्या किया कि 7 तो दिया साथ साथ 8वां भी दे दिया लेकिन उसमें एक एक छोटा सा उन्होंने अपना वाला ट्विस्ट डाल दिया. एंड व्हाट वाज दैट ट्विस्ट दैट दिस 8th पॉट वाज नॉट फुल्ली फिल्ड अप. वो पूरी तरह से ब्रीम के तक भरा हुआ नहीं था अपर लेयर तक भरा हुआ नहीं था. वो क्या था वो हाफ था. इट वॉज हाफ फिल्ड तो वो आधा भरा हुआ था. सो इन दैट पार्ट यू हैव सीन दैट जो व्यक्ति है द मैन हु वॉज विशिंग फॉर रिचनेस हु वॉज विशिंग हु वॉज प्रेइंग फॉर गेटिंग मोर एंड मोर गोल्ड. सो उनका जो प्रे था प्रेयर था वो ईश्वर ने मान लिया. उस पेड़ ने जो कल्पका ट्री है जो कि माना जाता है कि वरदान देता है सो उस वरदान के पेड़ ने उसके सामने उसने पूजा किया और उसको आधा उसका जो वरदान था वो पूरा हो गया और 7 फुल गोल्ड पॉट्स उसको मिल गए. लेकिन साथ साथ एज आई हैव टोल्ड यू कि 8वां भी मिला जो कि आधा भरा था. अब आप अगर इस जगह होते तो आप क्या करते जो 7 आपको फुल पॉट्स मिले आप उससे बहुत खुश हो जाते या जो 8वां है 8वां जो पॉट है उसको भरने के चक्कर में लग जाते क्योंकि वो तो हाफ फिल था. तो चलिए देखते हैं कि यहाँ जो मैन है जिसकी इच्छा पूरी हुई है उसने क्या किया. क्या वो जो 7 फुल पॉट्स थे उससे खुश था उसको खर्च कर रहा था संतुष्ट था अब तो अमीर हो गया जो चाहिए वो मिल सकता था या वो शुरू हो गया कि जो बाकी है उसको भी पूरा किया जाए. टू फिल दिस क्विक वॉज हिज थॉट. लेकिन फर्स्ट ही लाइन में आपको बता दिया पोएट ने कि जो व्यक्ति है ही वॉज नाउ ईगर टू फिल द 8th पॉट जो आधा भरा हुआ 8वां पॉट है उसको भरने के चक्कर में लग गया. ऑल द टाइम्स ही हैव दैट थॉट कि हाउ आई विल फिल दिस पॉट. द 7 फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरगॉट. वो पूरी तरह से भूल गया कि उसके पास 7 भरे हुए पॉट्स हैं जिसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स है विच ही कैन यूज फॉर एनी थिंग विच ही वॉन्ट और विच ही हैज डिजायर्ड फॉर. जो उसने इच्छा किया होगा कि मैं इससे कुछ खरीदूंगा या कुछ करूंगा वो सब कर सकता था बट ही हैज फॉरगॉटन इट. उसके दिमाग में अब बस क्या है 8th पॉट है जो 8th पॉट जो कि आधा भरा हुआ है उसको कैसे भरे उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है. द डेमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड. मैड मीन्स पागल. सो जो डेमन एज आई हैव टोल्ड यू कि जो बुरा ख्याल है जो राक्षसी रूपी जो विष है उसके अंदर वो भर गया उसके अंदर कि मुझे अब इसको पूरा वो पागल कर रहा था उसको. टू मदर वाइफ चिल्ड्रेन गुड बाय ही बेट. उसने इसको भरने के चक्कर में अपनी मदर को अपनी वाइफ को अपने चिल्ड्रेन को अपने फैमिली को अपने फ्रेंड्स को सबको भूल गया. यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ पीपल जो सब भूल जाते हैं पैसे कमाने के धुन में अपनी इच्छाओं को पूरी करने के धुन में और न जाने वो कौन सी इच्छाएँ होती है जो पूरी होकर भी कभी पूरी नहीं होती. इसकी इस व्यक्ति की तरह कि वो उसको जो 7 फुल पिक्चर्स मिले हैं गोल्ड के साथ उसका उससे पूरा नहीं हो रहा उसको अब 8वां को भरना है. उसको लगता है कि 8th वाला जो भर जाएगा ही विल बी एबल टू फुलफिल ऑल हिज डिजायर्स एंड फॉर दैट ही हैज फॉरगॉटन ऑल हिज फैमिली मेंबर्स ऑल हिज फ्रेंड्स रिलेटिव्स एवरीवन एंड ही हैज बिकम मैड ऑल्सो. ही रोज बिफोर कॉक क्रो. रोज राइज का पास्ट टेंस रोज राइज अप यानी उठना. तो वो कब उठ जाता था कॉक के जो क्रो हैं जो कॉक हैं जो मुर्गी या कौवे जो बोलते हैं उसके भी पहले वो उठ जाता था. पास्ट मिडनाइट ही वर्क्ड और आधी आधी रात तक ही यूज टू वर्क. व्हाई ही यूज टू वर्क बिकॉज ही वॉन्ट टू फुल दैट 8.5 फिल्ड पॉट. ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही शर्क्ड. उसका जो खाना था पीना था रहना था वो सब श्रंक्ड हो गया आधा हो गया सिकुड़ गया ऑलरेडी.
ही रेक्ट हिज हेल्थ हिज कॉन्साइंस सोल्ड, उसने अपनी आत्मा को अपने जहन को सब बेच डाला, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कमा रहा है, वो सही कर रहा है, ही इज डूइंग राइट और रॉन्ग, ही हैज नो आइडिया, ही कुड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग थिंग्स एट ऑल, सही और गलत में वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहा था, बिकॉज उसका जो लक्ष्य था वो ओनली वन था, एक ही था कि वो उस हाफ फिल्ड पॉट को भर ले, उसको पूरा कर ले, एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गेदर गोल्ड, वो सिर्फ इसी ट्रिक में लगा हुआ था, यही सब आपाधापी में लगा हुआ था कि समहाउ ही शुड फुल दैट पॉट ऑल्सो। ईगर एंड एंशियस ही शेमलेसली टुक, वो ईगरनेस जो आपको मैंने बताया जो आपको एग्जाम्स के पहले होता है उसको वो पॉट फिल करने के पहले था, ही वॉज वेरी ईगर, ही वॉज वेरी एंशियस, उसको बेचैनी लगी हुई थी, वो परेशान था कि कब ये भरेगा, कब ये भरेगा, उसके जीवन का सिर्फ यही एक लक्ष्य बचा हुआ था। बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट, वो इतना ईगर था, ही हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड बट डाइड, और वो अंत में क्या हुआ, ही हैड ट्राइड हार्ड, वेरी हार्ड, और इतना ज़्यादा कि उसने खाना पीना छोड़ दिया, फैमिली छोड़ दी, और लास्ट में ही डाइड बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट, उस पॉट को भरने के पहले ही डाइड, वो मर गया, वो उसको भर नहीं पाया, और साथ में एक और चीज़ नहीं कर पाया जो उसमें लिखा नहीं है उस पोएम में डायरेक्टली, ही कुड नॉट इन्जॉय द सेवन फुल पॉट्स, वो जो सात भरे हुए पॉट्स थे उसको भी इन्जॉय नहीं कर पाया, ही वॉज ऑलवेज बिजी इन फिलिंग अप दैट एट्थ पॉट, इजंट इट, ही हैज नेवर बीन एबल टू एन्जॉय वॉट ही हैव इन हिज लाइफ, बट रेदर ही हिज फोकस वॉज कम्प्लीटली ऑन द थिंग्स विच ही डू नॉट हैव इन हिज लाइफ, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। सो हियर द जो लास्ट के लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रीड आर एंडलेस, ग्रीड मीन्स लालच, आर एंडलेस, कभी ख़त्म नहीं होते हैं, बट लाइफ इज नॉट, लेकिन जो आपकी लाइफ है इट इज़ नॉट एंडलेस, इट हैज़ अ लिमिट, इसका एक अंत है जो एक दिन आएगा और ख़त्म हो जाएगा आपका लाइफ, यू विल नॉट बी एबल टू फुलफिल योर ग्रीड्स, आपके लालच कभी ख़त्म नहीं होंगे। नथिंग इज रॉन्ग विथ अ हाफ फिल्ड पर्स, अगर आपके पर्स में अगर वो आधा भरा हुआ है, आपके बटुए में कुछ कम पैसे हैं, इट्स ओके, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो हमेशा पूरा भरा रहे, बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट, टीज द वॉयड इन द हर्ट दैट इज द कर्स, बट इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ टीज, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, वॉयडनेस, खालीपन, एम्प्टीनेस इन योर हार्ट, दैट इज योर कर्स, वो आपके लिए एक अभिशाप की तरह है, वो आपके लिए एक प्रॉब्लम है। सो हैव यू अंडरस्टूड द पोएम, क्या बताया इस पोएम में बेसिकली, दैट ग्रीडीनेस कैन नेवर बी एंडेड, ग्रीडीनेस कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वॉट इज एंडलेस ग्रीडीनेस इज एंडलेस, बट किसका एंड है, किसका लिमिट है, लाइफ इज नॉट एंडलेस, लाइफ का एंड है, लाइफ इज नॉट एंडलेस। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द पोएम, आपने ये पोएम को पढ़ा, एंड वाइल रीडिंग यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट देर आर सो मेनी वर्ड्स विच आर राइमिंग टू ईच अदर, राइमिंग वर्ड समझते हैं आप, यस, जो एक दूसरे जिसका साउंड जो है वो एक जैसा साउंड करता है, बट दे आर टू डिफरेंट वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल एक वर्ड है ना, एग्जाम्पल, सो इससे मिलता जुलता और क्या साउंड हो सकता है, और क्या वर्ड हो सकता है, सैम्पल इजेंट इट, माइंड वाइंड काइंड इजेंट इट, फाइंड, सो दीज आर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, दे आर नोन एज राइमिंग वर्ड्स। सो इस पोएम में भी बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल अभी यू विल सी वन स्लाइड हेयर इन विच द फर्स्ट वर्ड हैज़ बिन डन फॉर यू, जैसे कि जो पहला वर्ड है कंटेंट, कंटेंट के साथ क्या राइमिंग है, यस वेंट, सो इसके साथ साथ आप अपने से भी कुछ कुछ वर्ड्स इसमें ऐड कर सकते हो, कंटेंट वेंट सेंट, ओके, इस तरह से आप उसमें ऐड करते जाएंगे, सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ सम वर्ड्स जिसको आपको पूरा करना है अभी, ठीक है, सो द वर्ड्स आर कंटेंट जो कि पहला आपको फॉर मतलब एग्जाम्पल के लिए करके दिखाया गया है, कंटेंट का वेंट, और आप इसमें ऐड कर सकते हो सेंट मेंट, ओके कैंट, उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड जो है वो है प्रेड, सो व्हाट विल बी द राइमिंग ऑफ प्रेड, आप अपने जब चैप्टर को पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा प्रेड एड, ओके नेक्स्ट वर्ड है गिवन, सॉरी गोल्ड, सो गोल्ड कोल्ड मोल्ड सोल्ड, सो मेनी वर्ड्स आर देयर, आपको इसको कंप्लीट करना है, नेक्स्ट वर्ड इज गिवन, आप सोच पा रहे हैं क्या होगा गिवन का,
गिवन फॉरगिवन, इजंट इट? इसी तरह से आपको उसको और कंप्लीट करना है. नेक्स्ट वर्ड है हिम, डिम, ब्रिम, पिम, सो मेनी वर्ड्स आर देयर. सो पॉट तो सबसे इजी वर्ड है, पॉट, हॉट, गॉट, नॉट, ओके. फिर है मैड, मैड, मैड यानी पागल, मैड, सैड, आप इसमें और भी वर्ड्स ऐड कर सकते हो. फिर है वर्क्ड, श्रंक्ड, रैक्ड जो था. सो वर्क के साथ आप जो जो वर्ड्स राइमिंग होंगे वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं. ये एक राइमिंग रेस है, जो इसको पहले कंप्लीट करेगा दे विल विन दिस गेम, ओके. फिर है टुक, कुक, और क्या सोच पा रहे हो आप, लुक, इजंट इट? फिर है पर्स, वर्स, कर्स, जो बुक में भी दिया है. तो आप इसमें क्या करोगे, एक एक वर्ड जो आपके पोएट्री में राइमिंग कर रहा है वो उसमें ऐड करेंगे, और साथ साथ दो नए नए वर्ड्स भी ऐड करेंगे. सो लेट अस डिस्कस व्हाट यू कैन टेक अवे फ्रॉम दिस पोएम. क्या आप लेके जा सकते हो उस पोएम से, क्या क्या सीखा आपने? सो वन मस्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन नीड, वॉन्ट्स एंड डिजायर. इसमें डिफरेंस करना आपको जरूर आना चाहिए कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं, और आपको क्या क्या चाहिए. हर कुछ जो बेसिक, जैसे नीड्स होता है बेसिक चीज़, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान बेसिक नीड्स है, इसके बिना आप नहीं रह सकते, ये आपको चाहिए ही. लेकिन डिज़ायर, आप कपड़े पहनना नीड है, लेकिन अरमानी का सूट पहनना डिज़ायर है, ओके. सो ये डिफरेंस है. विच मस्ट बी फुलफिल इज़ योर नीड, जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते या नहीं एग्जिस्ट कर सकते, दैट इज़ योर नीड. एंड डिज़ायर्स, जो आपकी इच्छाएँ हैं वो उसके बाद आती है. सो इसमें डिफरेंस करना आपको आना चाहिए. जैसे कि जो पोएम आपने पढ़ा उसमें आपने देखा कि उसके पास 7 फुल गोल्ड पिक्चर्स थे जिसमें भरे हुए थे पूरे, लेकिन उसने उसको समझा नहीं, और उसका डिज़ायर जो है वो 8th को भरने के चक्कर में जो है उसने अपने जो बाकी के 7 फुल पॉट्स थे उसको भी यूज़ वो नहीं कर पाया. नेक्स्ट है रिचनेस कैन नॉट अश्योर और गारंटी कंटेंट. जो फर्स्ट लाइन था पोएम में कि वो मैन जो था ही वॉज रिच बट नॉट कंटेंट. सो रिचनेस इज, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि रिचनेस इज नॉट द सर्टिफिकेट ऑफ योर कंटेंटमेंट. आप बहुत अमीर हो सकते, संतुष्ट होना होंगे, ये जरूरी नहीं है. ये आपको इस पोएम से सीखना है कि हमें संतुष्ट होने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ना कि अमीर होने के लिए, ओके. क्योंकि अगर आप संतुष्ट हैं तो हो सकता है आप अमीर हो, लेकिन अगर आप अमीर हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप संतुष्ट भी हो. वन शुड वर्क वेरी हार्ड फॉर पीस, नॉट फॉर सेटिस्फाइंग देयर ग्रीड. ग्रीड को पूरा करने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी है. आपको अपने संतुष्टि के लिए करनी चाहिए, अपने शांति के लिए करनी चाहिए, अपनी फैमिली के लिए, रेप्यूटेशन के लिए. यू कैन वर्क वेरी हार्ड, बट इफ़ यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर फुलफिलिंग योर ग्रीड्स, देन योर हार्ड वर्क विल नेवर बी सफिशियंट. वो कभी भी पूरा नहीं कर सकता, कितना भी आप हार्ड वर्क कर लो, आपके लालच को वो संतुष्ट नहीं कर पाएगा. इसीलिए यू शुड वर्क हार्ड फॉर पीस, नॉट फॉर ग्रीड. ग्रीड आर एंडलेस बट लाइफ इज नॉट. ये बेसिक जो मैंने उस समय भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है फ्रॉम द पोएम. ये आप हमेशा याद रखो कि जो आपका ग्रीड है ये एंडलेस है, इसका कोई अंत नहीं है. कितना भी आप, एक जब साइकिल होती है तो फिर बाइक चाहिए होती है, बाइक चाहिए होती है तो फिर कार, फिर कार तो फिर लैम्बोर्गिनी चाहिए होती है, फिर पता नहीं एरोप्लेन चाहिए होता है, क्या क्या नहीं चाहिए होता है. सो डिज़ायर्स जो है, ग्रीड जो है, वो कभी ख़त्म नहीं होता. बट लाइफ इज़ लिमिटेड. लाइफ आपका एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है. ऐसा नहीं है कि ये आप कभी मरेंगे नहीं, कभी ख़त्म नहीं होंगे. सो यू शुड एबल टू डिफ्रेंशिएट कि जो ग्रीड है उसको पूरा करने के लिए हमें नहीं जीना है. So with this, let us do some revision. So you can see that there are 6 questions. In the first question, the rich man was not. आपको इसमें gap दिया हुआ है, आपको fulfill करना है कि क्या होगा. The rich man was not content. Okay, the man was rich but not content. The man had dash full of gold coin pictures. How many gold coin pictures he has? जैसा कि बार बार मैंने बोला है, yes, 7. He had 7 full of gold pictures. Next is the phrase representing the cunningness of a man is, जो phrase आपको दिख रहा है cunningness को represent कर रहा है वो कौन सा है. आप जब poem पढ़ोगे तो उसमें वो दिखाएगा कि जो उसका greed है, वो जो उसका wanting है, desire है, he is left his family, his health, eating, drinking, everything for fulfilling that 8th half filled pot. So वो उसका cunningness दिखाता है. he वहाँ पे उसने जो phrase है by hook और by crook,
जो यूज किया गया है पोएम में, वो फ्रेज को आपको यहाँ पे लिखना है किसी भी तरह से, बाय हुक और बाय क्रूक मीन्स बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से, चाहे सही चाहे गलत, चाहे कुछ भी करना पड़े, चोरी करना पड़े, किसी को कुछ कर देना पड़े, वो समहाउ ही वॉन्ट टू फिल दैट एट्थ हाफ फिल्ड पोर्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वॉट इज एंडलेस. एंडलेस क्या है? यस, ग्रीड इज एंडलेस. लाइफ इज नॉट, लाइफ इज नॉट एंडलेस. लाइफ हैज अ एंड, बट ग्रीड हैज नो एंड. इट इज बाउंड्रीलेस. कितना भी आपको मिल जाए, आपका जो अगर किसी के अंदर लालच है, दैट इज नेवर गोइंग टू एंड. सो ग्रीड इज एंडलेस. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वॉट डिड द मैन सोल्ड टू फिल द एट्थ वेसल. जो मैन है पोएम में, उसने क्या बेचा, क्या बेचा अपने वो एट्थ पॉट को फिल करने के लिए, क्या बेचा? सो ही हैज सोल्ड हिज कॉन्साइंस. उसने अपनी जो उसका जमीर था, जो आत्मा थी, जिससे सही गलत वो पहचान सकता था, वो भी उसने बेच दिया था. उसको सही और गलत का डिफरेंस समझ में आना बंद हो गया था. ही हैज ओनली वन मोटिव, ही जस्ट वॉन्ट टू फिल दैट एट्थ वेसल. वो जो आठवां बर्तन जो घड़ा था, उसी को वो भरने में लगा हुआ था. सो वॉट इज द मेजर टेक अवे फ्रॉम दिस पोएम. जो लास्ट आपको मैं दिखाऊंगी वो है, इट इज पॉसिबल टू सेटिस्फाई योर नीड, इट इज इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई योर ग्रीड. इस पूरे पोएम का जो क्रक्स है, जो मेन पंच है, वो यही है कि इट इज पॉसिबल टू सेटिस्फाई योर नीड्स. जो आपकी नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं, वो सेटिस्फाई करना पॉसिबल है, लेकिन अगर वो नीड्स ग्रीड में कन्वर्ट होता है, लालच में कन्वर्ट होता है, जैसा कि आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल कि वेयरिंग अ क्लोथ इज योर नीड, बट वेयरिंग अरमानी और वेयरिंग गुची इज योर डिजायर, योर ग्रीड, दैट इज एंडलेस. यू कैन नॉट एंड इट. वो जब वो पहन लोगे तो फिर सोचोगे कोई और ब्रांड मिल जाता, कोई और ब्रांड मिल जाता. सो कपड़े पहनना इज योर नीड, बेसिक नीड, बट वेयरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सूट्स, वेयरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ अटायर इज योर डिजायर, विच इज योर ग्रीड, विच कन्वर्टेड इंटू, वो आपको एक मोटिव देता है लालच करने के लिए, क्योंकि आपको उस तरह के खरीदने के लिए कुछ भी, चाहे वो गाड़ी हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए आपको बहुत से पैसे चाहिए, तो आपके अंदर लालच आ जाता है जिसका कोई अंत नहीं है. सो दिस इज द बेसिक लर्निंग फ्रॉम दिस पोएम. थैंक यू. नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं. स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें. ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण. इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो. ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं. अरे भाई राजू. क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे. कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए. अच्छा. सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता. बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है. हम भी यही सोच रहे थे. अरे वो देखो मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए, चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं. मास्टर साहब प्रणाम. प्रणाम प्रणाम. मास्टर साहब आपसे एक बात का जानकारी लेना था. हाँ पूछिए. अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी. हाँ. लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है. अच्छा, अच्छा? कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं. जी जी चलिए जी सर चलिए. चलो चलो. हाँ हाँ चलिए. हाँ हाँ मीठा लेते हैं. आइए ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिकम प्रतिफल पोस्टर. इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए. यह क्या है? पक्षी.
और ये क्या है? पेन। यानी के तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर, ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा है, ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे, उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।